स्वागत है, मैं हूँ राजेश। सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामना हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। जितने भी हमारे जम्मू वासी और देशवासी हैं उनको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। इस वक्त हम जो हैं, हम आपको बता दें कि बहू फोर्ट जम्मू में है और आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है। और एंट्री गेट से आने से पहले जिस तरह से बार बार बात की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले यहाँ पर सैनिटाइज करवाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से जो है लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही है। कि ये जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक एनजीओ की तरफ से, मैं बता दूं कि जिस तरह से नई सोच सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करी जा रहा है परिवर्तन की ओर एक कदम, जिस तरह से बात की जाए अब एक खुद भारत के देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पे कहा था कि अब इसी के साथ जो है आपको जीना है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से बात की जाए अब आज का पहला दिन है और रश कितना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं पहले सैनिटाइज करवाया जाएगा, उसके बाद जिसके पास मास्क नहीं होगा उसको मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल्स, आइए इनसे बात भी करते हैं। सर, जिस तरह से अब आज पहला दिन है नवरात्रों का और काफ़ी लोग तादाद में लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पहले आप सैनिटाइज करें उसके मास्क, किस तरह का ये है अनुभव आप करें? जय माता दी। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में जो कोविड-19 की महामारी फैली हुई है उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो संस्था है नई सोच, इन्होंने आज यहाँ पर कैंप लगाया है। जो भी यहाँ पे यात्री जा रहे हैं हम उनको सैनिटाइज़ कर रहे हैं, साथ में उनको मास्क कर रहे हैं, प्रॉपर उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि अंदर जाके सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाए। तो और आप देख सकते हैं अंदर जाके पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो ये आज का दिन ही रहेगा या जब तक नवरात्रे चलेंगे तब तक रहेगा? ये फिलहाल तो आज का दिन लगा है, हो सकता है कि आगे भी हम लगा लें। तो आप देख सकते हैं अपने अपने विजुअल दिख रहा है अभी, तो यहाँ से अब जैसे ही दर्शन के लिए स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे ये पहले सैनिटाइजर मास्क जो है एक नई सोच द्वारा जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डब्बा बड़ा नहीं था क्या?
बत्रा बत्रा बत Thank you.
जो आपको विजुअल्स यहाँ पे बावे वाली माता के विजुअल बता रहे, आप देख सकते हैं जिस तरह से टाइम के अनुसार जो है वो मंदिर बंद कर दिया गया, उसके बाद आप जिस तरह से लाइन देख सकते हैं किस तरह से लाइन जो है वो कतार में लग चुकी है, और सोशल डिस्टेंस का जो खास ध्यान जो सर्कल है वहाँ पर ही अभी फिलहाल लोग जो है वो खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सबक जो है वो लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस का मेन जो है वो ख्याल रखा। अभी भी फिलहाल एक या दो घंटे के लिए मंदिर जो है वो फिलहाल बंद रहेगा, उसको मद्देनजर नज़र रखते हुए आप देख सकते हैं लोग जो हैं, क्योंकि अगर बात करें क्योंकि जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर माना जाता है और लोगों की आस्था जो है वो मंदिरों के साथ जुड़ी होती है, और जिस तरह से अब माता रानी के नवरात्रे जो है हर साल की तरह आते हैं और लोग जो है अपनी आस्था को लेकर, ये एक मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप देख सकते हैं बच्चे जो है, जिस तरह से बार बार बात की जाए कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा और 60 साल से ऊपर जिसकी एज होगी उनको अलाउ नहीं की, फिर भी लोगों ने जो है बच्चे जो है अपने साथ लेके, अभी देखते हैं कि मंदिर जो है जिस तरह से अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मास्क भी जो है उनको नहीं पहना, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते हुए एक तो आपको दर्शन करने लेकिन दूसरा आपको अपना सेफ्टी और स्केयर का जो है वो खास तौर पर ख्याल जो है वो आपको खुद ही रखना है, क्योंकि ना तो वो ख्याल प्रशासन रखेगी ना तो वो हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये आपको खुद ही रखना है। ये एक आप मुझे बताइए, आपने बच्चा जो है अपने घर से लाया, आपको पता है कि 10 साल से कम बच्चा जो है वो दर्शन नहीं कर सकता? हमें नहीं पता था। आपको नहीं पता था, लेकिन अभी लगभग 9 महीने हो चुके हैं इस कोरोना महामारी को चलते, आपकी तो एक आस्था जुड़ी है कि आपको तो दर्शन करने हैं, लेकिन बच्चा जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसके मद्देनजर रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि सेफ्टी उसके रखना चाहिए? हाँ लगता है। चलिए, इनको पता नहीं था तो ये फिर भी जो है आगे जो है इनको नहीं जाने देंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस, मैं आपको बार बार बात करूँ, खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी एक तौर पे साफ तौर पे कहा था कि आपको अब सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही फॉरएवर जो है वो चलना है। ये आप देख सकते हैं सर्कल जो डाले हैं, लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि आस्था में बार बार आपको बात बार बोल रहा हूँ कि आस्था के साथ लोग जुड़े हैं, और ये देखिए कितनी लंबी कतार जो है वो अभी लग चुकी है। सुबह की बात करें तो रश काफ़ी कम था, लेकिन अब जिस तरह से मंदिर जो है टाइम के अनुसार जो बंद रहेगा उसके मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतार जो है वो लगी है। जैसे ही मंदिर खुलेगा इनको एक एक करके अंदर भेजा जाएगा और दर्शन जो है ये लोग करेंगे, क्योंकि दर्शन करने के लिए लोग जो है घर से आए हैं, और लगातार लोगों ने कम से कम भी 9 महीने वेट किया है, क्योंकि आस्था जो थी इनकी 9 महीने तक ये लोग जो है वो वेट करते रहे, उसके बाद जो है आज जिस तरह से 1 महीना पहले मंदिर खोले गए थे और आज जो है नवरात्रे चले, तो मैं आपको ये देखिए, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी लोग जो है बच्चों को लेके आ रहे हैं। आपने बच्चों को क्यों लाया यहाँ पर? आपको पता है 10 साल से कम बच्चा जो है वो अलाउड नहीं है, ना दर्शन कर सकता ना घर से बाहर निकल सकता। आपको पता था? नहीं पता था। 9 महीने हो चुका है कोरोना को, आपको अभी तक नहीं पता चला? नहीं पता तो है सर, लेकिन छोटी बच्चे कहाँ रखनी थी? कहाँ रखनी थी? किसके पास? इनके दर्शन करने जरूरी थे, क्योंकि अगर बच्चे को खुदा का खास आगे मंत मांगी थी ना, इसलिए बच्चा भी लाना पड़ा। चलिए, तो ये इनकी आस्था है और हम आस्था के साथ किसी को इस तरह का, क्योंकि हमारा तो प्रश्न है सवाल पूछना, हमारा तो काम है सवाल पूछना, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइंस की बात की जाए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर रखते हुए जो है 10 साल से कम बच्चा जो है वो दर्शन नहीं कर सकता, और 60 साल से ऊपर जिसकी एज होगी वो दर्शन जो है वो नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो है अभी लग सकती है। तो इसी तरह की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे जुड़े कैमरा गुरप्रीत के साथ, मैं राजेश सिंह।